देखिए कमेटी बनाने का यही उद्देश्य है इस कोर्ट का कि हम स्टे लगा दिए, किसानों को लगेगा ये कानून नहीं लगा हुआ है, कुछ दिनों तक मामला ये दबा रहेगा और कमेटी के जो लोग रहेंगे वो कहेंगे कानून तो अच्छा है, किसानों के हित में है, ये कानून रहने दीजिए, और उसके बाद आंदोलन जब खत्म हो जाएगा सब अपने घर चले जाएंगे, यही कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट स्टे को हटा देगी और कानून देश में लग जाएगा, अब फिर दोबारा ऐसा मोमेंट नहीं बन पाएगा। ये सरकार सीधे तरीके से चाह रही है कि इस आंदोलन को खत्म करे, इस मोमेंट को खत्म करे, लेकिन ये मोमेंट खत्म होने वाला नहीं है। देखिए यही लोग समझा रहे हैं कि इनको ये नहीं पता है गाय का मूत पीना है कि दूध, इन लोगों को ये नहीं पता है, इन लोगों के दिमाग में गोबर भर चुका है और ये केवल गोबर गाय भैंस के सिलावा कुछ इनको दिमाग में नहीं पता चल रहा है। किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, खेतों में रोज खेतों में अनाज कैसे उगेंगे, किसानों के अनाज सही दाम में कैसे खरीदा जाएगा, किसानों का कोल्ड स्टोर की व्यवस्था कैसी दी जाएगी, इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि इनके बारे में सोच रहे हैं कि गोबर से पेंट बन रहा है, आहा पेशाब से पेंट बन रहा है। दुर्भाग्य है किसानों की आय दोगुनी नहीं करके बल्कि उन पे काला कानून थोप दिया गया। अरे भक्तों सुनो, तुम कितना भी भक्ति की कर लो, तुम्हारे गोबर से और मूत से प्यास और भूख नहीं मिटने वाली है, इस किसान के अनाज से ही और इस किसान के जानवर गाय भैंस के दूध से ही तुम्हारी प्यास बुझेगी, और तुम किसानों को साथ दो, अपना दिमाग में जो तुम्हारा गोबर भरा हुआ है इस गोबर को निकाल दो। पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका, सुप्रीम कोर्ट ने है सब कुछ सुनने के बावजूद जो है उन्होंने होल्ड कर दिया इस बिल को, तो होल्ड हुए बिल को लेकर के क्या कहना चाहते हैं आप, किस तरीके से आप? देखिए एक कहावत है कि यार का गुस्सा भतार पर निकालना, वही मुद्दा भटकाने के लिए ये सरकार चाह रही थी कि मोदी सरकार की ये मामला कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट इसको झुंझुना देकर किसानों को फंसा दे। जो ये स्टे लगाई है ये एक सोची समझी कोर्ट का चाल है, ये सरकार के इशारे पे हुआ है, कभी स्टे लगा दिए, कुछ दिनों के बाद स्टे हटेगा, फिर ये कानून लगेगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसान घर चल जाएंगे। लेकिन हम इस लॉलीपॉप से बजने वाले नहीं है, हमारा पहले से भी निर्णय हो चुका है कि जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता तब घर नहीं जाएंगे। ये क्यों स्टे लगाया गया था, कोर्ट में सरकार क्यों गई, इसलिए गई कि सरकार जब कोर्ट कहेगी कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, इस कानून पे हम स्टे लगा दिए, आप अपने घर चले जाए, आंदोलन खत्म करने की ये साजिश है। लेकिन फिर भी किसानों ने ये निर्णय लिया है कि हमारा पहले भी ऐलान था कि कृषि कानून रद्द होगा तभी हम घर जाएंगे, और हम सरकार की और कोर्ट में बहलाने फुसलाने में भटकाने में हम भटकने वाले नहीं हैं। पहले भी किसान नेताओं ने कहा अगर कोर्ट किसानों के हित में फैसला लेती तो वह किसान के हित में यह फैसला लेती, सरकार के कहती कि सरकार आप ये कृषि कानून रद्द करें, ये नहीं कहती कि हम स्टे लगा दे रहे हैं, आप एक कमेटी बनाइए। और दुर्भाग्य इस बात का है एक कमेटी बनी है जिसमें चार ऐसे लोग चयनित हुए हैं जो एक विचारधारा के लोग हैं, जो आरएसएस को मानते हैं, बीजेपी को मानते हैं और मोदी जी का समर्थक है, चारों लोग, और पब्लिकली टाइमलाइन में उनका देख लीजिए जाकर, वो चारों लोग जो पहले से ये कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं, जो लोग इस कृषि कानून का पहले से समर्थन कर रहे हैं, क्या वो किसानों के बारे में सोच सकते हैं? उनके बारे हम उससे तो अच्छा, उस कमेटी से अच्छा रहेगा हम सरकार से ही लड़ेंगे, हमको कमेटी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कमेटी ये बना है चारों लोग का, ये कमेटी कहीं ना कहीं ये सरकार के पक्ष के लोग हैं, किसानों के बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं, इसलिए इस कमेटी का हमको कोई मतलब नहीं, इसको हम कमेटी को नहीं मानते हैं और इस स्टे से भी कोई मतलब नहीं है, हमारा स्टे करे या कुछ भी करे कोर्ट, इस स्टे को हम नहीं मानते हैं, तभी मानेंगे जब ये कृषि कानून रद्द होगा। अगला हमारा निर्णय जो बैठक है 15 तारीख को, इसमें हमारे किसान के नेता जो हैं वह जाएंगे, 15 तारीख को बैठक करेंगे, अगर 15 तारीख को सरकार नहीं मानती है, 26 तारीख को हम लोगों ने पहले भी ऐलान कर दिया है कि लाल किला और इंडिया गेट पर पहुंचने के काम करेंगे, 1,00,000 ट्रैक्टर और 1 करोड़ लोग पहुंचेंगे, और जो कुछ भी होगा इसका सारा जिम्मेदार मोदी सरकार होगा, क्योंकि मोदी सरकार अगर किसानों के बारे में सोचती, जो शहीद हुए हैं हमारे सैकड़ों किसान भाई उनके बारे में सोचती तो ये किसानों का आंदोलन खत्म हो गया रहता, किसानों के बारे में ये सरकार सोची नहीं रही है, इसलिए लोग मजबूरी में मजबूरन आंदोलन करने में बेबस हैं। लेकिन हम लोगों भी कह देते हैं जो किसान शहीद हुए हैं उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये कृषि कानून रद्द होगा, अगर हम बीच में घर चले जाते हैं तो उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगा, क्योंकि इस आंदोलन को जीतने के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी है, उनकी कुर्बानी हम बर्बाद नहीं जाने देंगे, जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। और ट्रैक्टर देख लीजिए, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं,
और आंदोलन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। कि सबको ये बात पता चल गया है, ये चीज सबको पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के हाथ में, हम लोग के हाथ में लॉलीपॉप दे रहा है, स्टे लगाकर लॉलीपॉप दे रहा है। कमेटी बनाने के पीछे का क्या वजह हो सकता है जिसमें वही लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, कमेटी बनाने का यही उद्देश्य है कोर्ट का कि हम स्टे लगा दिए, किसानों को लगेगा ये कानून नहीं लगा हुआ है, कुछ दिनों तक मामला यह दबा रहेगा और कमेटी के जो लोग रहेंगे वो कहेंगे कानून तो अच्छा है, किसानों के हित में है, किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों को फायदा होगा, किसान खुशहाल हो जाएगा, किसान मालामाल हो जाएगा, ये कानून रहने दीजिए। और उसके बाद आंदोलन जब खत्म हो जाएगा सब अपने घर चले जाएंगे, यही कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट स्टे को हटा देगी और कानून देश में लग जाएगा। अब फिर दोबारा ऐसा मोमेंट नहीं बन पाएगा। ये सरकार सीधे तरीके से चाह रही है कि इस आंदोलन को खत्म करे, इस मोमेंट को खत्म करे, लेकिन ये मोमेंट खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मोदी सरकार एक बिढ़नी होता है खोते में हाथ डाल दी है, क्योंकि किसान का आंदोलन इससे पहले कभी भी इस देश में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, खेतों में अपनी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, लेकिन किसान रोड पर आए लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आज किसान रोड पर आया है तो अपना हक अधिकार लेकर घर जाएगा, क्योंकि वह किसान कह रहे थे कि मोदी जी की किसानों की दोगुनी आय होगी, 15 लाख आएंगे, 2 लाख रोजगार आएगा, किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। मोदी जी, आपने जो कहा सब उल्टा हो गया, अब आपके बातों पर हमारी विश्वास नहीं है, आप पे हम बात तभी मानेंगे जब ये कृषि कानून रद्द होगा, क्योंकि किसानों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। अच्छा, आप दोगुनी आय की बात कर रहे हैं, किसानों की दोगुनी आय को देखते हुए जो है कल के दिन में जो है एक पेंट का उद्घाटन किया है, लॉन्च किया है, जो कि गाय के गोबर से बना हुआ, कह रहे हैं कि अगर लॉन्च करें गाय के गोबर से बन रहा है तो किसानों की इससे आमदनी ज्यादा बढ़ेगी, इसको लेकर क्या? देखिए, यही लोग समझा रहे हैं कि इनको ये नहीं पता है गाय का मूत्र पीना है कि दूध, इन लोगों को ये नहीं पता है, इन लोगों के दिमाग में गोबर भर चुका है, और ये केवल गोबर गाय भैंस के सिलावा कुछ इनको दिमाग में नहीं पता चल रहा है। किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, खेतों में रोजगार, खेतों में अनाज कैसे उगेंगे, किसानों के अनाज सही दाम में कैसे खरीदा जाएगा, किसानों को कोल्ड स्टोर की व्यवस्था कैसी दी जाएगी, इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि इनके बारे में सोच रहे हैं कि गोबर से पेंट बन रहा है, आहा, पेशाब से पेंट बन रहा है। दुर्भाग्य है, किसानों की आय दोगुनी नहीं करके बल्कि उन पे काला कानून थोप दिया गया, और इस ये गोबर वाला जो है इससे कुछ नहीं होगा, और वही लोग बता रहे हैं जो लोग गोबर खाने की बात करते हैं। अरे भक्तों सुनो, तुम कितना भी भक्त की कर लो, तुम्हारे गोबर से और मूत्र से प्यास और भूख नहीं मिटने वाली है, इस किसान के अनाज से ही और इस किसान के जानवर गाय भैंस के दूध से ही तुम्हारी प्यास बुझेगी, और तुम किसानों को साथ दो, अपना दिमाग में जो तुम्हारा गोबर भरा हुआ है इस गोबर को निकाल दो। और जेपी नड्डा जी उद्घाटन किए, दुर्भाग्य है, पहले बंगाल जाते हैं, एक मुट्ठी बोलते हैं किसानों के घर से अनाज लेंगे और किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अरे बेवकूफ जेपी नड्डा, अरे वो तो खाना भी खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो वही तो कर रहे हैं, वो नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। अगर नाटक की प्रतियोगिता होगी तो सबसे पहले बीजेपी वाले ही जीत जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं, करोड़ों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं, इनसे मिलने नहीं आ रहे हैं और बंगाल जा रहे हैं। अरे जेपी नड्डा जी, इतना ही शौक है आपको किसानों के खाना खाने का, किसानों से मिलने का, तो आप गाजीपुर बॉर्डर आइए, यहाँ पर भी किसान अपने अपने खाना खिला रहे हैं, किसान बैठे हुए हैं, उनकी समस्याओं के बारे में तो सुनिए। किसानों के बारे में अगर दोगुनी आय करनी है तो किसानों की बात सुनी होगी। करने से बातचीत बनने वाली है क्या? देखिए, इस होल्ड करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसानों ने समझ लिया है कि होल्ड इसलिए किया गया है कि किसानों को भटकाने के लिए, किसानों को आंदोलन को खत्म करने के लिए, और कमेटी इसलिए बनी गई है कि कमेटियां तैयार करेंगी कि अगले महीने, फिर अगले महीने ऐसे बैठक कर कर करके लंबा समय खींच लेगी, और फिर वही किसान का हाल होगा जो अभी हाल है, उससे हालात और खराब होंगे। इसलिए इस कमेटी से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इस एसटीए से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट आप फिर निर्णय सुनाए और कहे सरकार सो के ये कृषि कानून रद्द करे, ताकि तभी किसानों की मांग पूरी होगी, तभी किसान अपने अपने घर जाएंगे, नहीं तो यहीं पर रहेंगे और 2024 तक भी यही इंतजार करेंगे जब तक ये रद्द नहीं हो जाता है। सरकार अपना निर्णय सुनाए, कोर्ट निर्णय सुनाए, ये कृषि कानून रद्द होना चाहिए। तो अभी फिलहाल क्या है आप लोग आंदोलन? बिल्कुल, आज देख लीजिए, कल ने कोर्ट ये फैसला सुनाया,
कमेटी बनाई, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कल की संख्या में आज हजारों संख्या में किसान आज बढ़ गए। हर बॉर्डर पर आज किसानों की तादाद संख्या बढ़ते जा रही है। और 15 तारीख को देख लीजिएगा, 15 तारीख को बैठक है, बैठक के बाद आप देख लीजिएगा, 15 के बाद लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग बॉर्डर पे आएंगे और 26 तारीख को लाल किला और इंडिया गेट और पीएम हाउस तक मार्च करेंगे। और उस दिन सरकार को देखना होगा सरकार कितना घमंड में चूर है ना, और हम लोग ठंड में किसान मजबूर है, यही ना, सरकार घमंड में चूर है और किसान ठंड में बैठकर मजबूर है। लेकिन मजबूरी का मोदी जी फायदा मत उठाइए, हम लोग का धैर्य का परीक्षा मत लीजिए। हमारा धैर्य का बांध टूट गया है और 26 तारीख को धैर्य का बांध टूटा हुआ है वो आपको दिखेगा, क्योंकि हमारे भाई सैकड़ों की संख्या में शहीद हो गए और 50 दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे पे कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है मोदी जी, क्यों? हम किसान इसी देश का नागरिक है और 50 दिन से अपनी मांग को मांग रहे हैं तो आप क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं? हम लोग 26 तारीख को मानने वाले नहीं है, 15 तारीख को इंतजार कर रहे हैं। 15 तारीख को सरकार हम लोग की मांग पूरी नहीं करती है तो 26 तारीख को हम लोग पहुंचने का काम करेंगे और इसी तरह हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।